हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट पीटी सेंटर में स्वागत है। मैं मुकेश सर आप लोगों के बीच। आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए, हम लोग 10 क्लास का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग मैथ नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास का बायोलॉजी। आप लोगों को पता है 12 क्लास 11 क्लास का बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो 12 क्लास का बायोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, जो चैप्टर 3 है, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। क्योंकि इससे पहले दो चैप्टर हम लोग ऑफलाइन क्लास यानी कि क्लास रूम में ही पढ़ चुके हैं, कोचिंग में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम तीसरा चैप्टर चालू करेंगे और वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जब तक क्लास फुल नहीं जाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि मानव प्रजनन क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। पहले मानव मतलब तो मनुष्य होता है, अब प्रजनन मतलब क्या, कि प्रजनन एक क्रिया है, एक विधि है, जिस विधि के द्वारा कोई भी जीव जंतु अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, ठीक है, उसी को ही प्रजनन बोलते हैं। तो बताइए, ये मनुष्य है तो मनुष्य ही पैदा करेगा ना, ऐसे बात तो नहीं है तो मनुष्य तो बकरी पैदा कर देगा, कुत्ता पैदा कर देगा, नहीं। इसीलिए हम पढ़ेंगे मानव प्रजनन के बारे में, ताकि मनुष्य प्रजनन कैसे करते हैं, ठीक है। मनुष्य में एक लिंगी प्राणी है कि द्विलिंगी प्राणी है, ठीक है, ये सब आज इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मानव प्रजनन क्या है, क्लियर, ठीक है। मानव प्रजनन क्या, देखिए हम बता रहे थे कि मानव प्रजनन तंत्र क्या है, इसका परिभाषा हमने लिख दिया यहाँ पे और आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। देखो समझ लीजिए कि मानव प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, क्या है, या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है। देखिए कि मानव प्रजनन तंत्र एक लिंगी है, द्विलिंगी है, ये लिंगी है, तो मानव प्रजनन तंत्र एक लिंगी प्राणी है, क्योंकि नर अलग होता है, मादा अलग होता है, ठीक है, जो अन्य जंतुओं के तुलना में अत्यधिक जटिल एवं विकसित है, ठीक है। जो मानव है, मानव जो प्रजनन होता है, बताते पहले भी कि अन्य जंतुओं को अगर तुलना करते हैं तो उनमें से क्या है, जटिल और विकसित है, ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है अन्य जंतुओं के तुलना में मानव प्रजनन, ठीक है। नर एवं मादा दोनों प्रकार के जनन तंत्रों के अंतर्गत सेक्सुअल ऑर्गन और जेनिटल ग्लैंड एवं गोंडस आता है। ध्यान देंगे, नर एवं मादा दोनों प्रकार के जन तंत्रों के अंतर्गत मुख्य क्या आता है, तो सेक्सुअल ऑर्गन आता है, जेनिटल ग्लैंड आता है एवं गोंडस आता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना होगा, ठीक है। एक अगर आपको कोई प्रश्न उठाता है कि मानव प्रजनन तंत्र क्या है, सिंपल परिभाषा दीजिएगा कि मानव प्रजनन तंत्र एक लिंगी प्राणी होता है, ठीक है, और अन्य जीवों के तुलना में, अन्य जंतुओं के तुलना में, ठीक है, अत्यधिक जटिल एवं विकसित होता है, ठीक है। और पता कि नर और मादा यानी कि मानव में दोनों प्रकार के जनतंत्रों के अंतर्गत, नर और मादा दोनों प्रकार के जनतंत्रों के अंतर्गत सेक्सुअल ऑर्गेन, जेनिटल ग्लैंड एवं गुंडस आता है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि मुख्य नर जनन अंग क्या है, तो वृषण तथा मादा जनन अंग में क्या आएगा, अंडाशय, ठीक है, इसको प्राइमरी भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे मानव प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, रिपीट कर लीजिए, फिर से बोलिए कि मानव प्रजनन तंत्र एक लिंगी प्राणी होता है, ठीक है, जो अन्य जंतुओं के तुलना में जटिल एवं विकसित है। नर एवं मादा दोनों प्रकार के जनतंत्रों के अंतर्गत सेक्सुअल ऑर्गन, जेनिटल ग्लैंड एवं गुंडस आता है, क्लियर। मुख्य नर जनन अंग वृषण है और मादा जनन अंग क्या है, ओवरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखे हैं कि मानव में दो प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला बाबू है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मतलब क्या, प्राथमिक, प्राइमरी मतलब क्या, प्राथमिक, और सेकेंडरी मतलब क्या, द्वितीय, द्वितीय बोलते हैं, या इसको सेकेंडरी को सहायक
सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है, मान में दो प्रकार के लैंगिक पाए जाते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीय, यानी कि सहायक अंग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, तो सर वो नर में क्या होगा और मादा में क्या होगा, सवाल हो सकती है कि जो प्राइमरी है ये प्राइमरी नर, नर में प्राइमरी अंग का नाम बताइए। तो आपको याद करिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नर के लिए यानी कि मेल के लिए क्या होगा, वृषण, क्या होगा वृषण, और मादा के लिए अंडाशय, जो इसमें लिख दिए हैं, मुख्य नर का नाम वृषण हो गया और मादा का नाम क्या हो गया, ओवरी हो गया। क्लियर, ठीक है। और सेकेंडरी ऑर्गन जो होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, ये सहायक क्रिया है जो निम्नलिखित हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज आप लोग, आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें थोड़ा लंबा और विस्तार से देंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट बना लीजिएगा, नहीं समझ पाने पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।